विकसित भारत संकल्प यात्रा की कड़ी में गांव थांदड़ा और लोटनी में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में हरियाणा के मुद्रण और लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के साथ सीधा संपर्क करके हर वर्ग के लोगों तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, प्रदेश सरकार योजनाएं बनाती है, वो आप तक पहुंचे, क्योंकि आपके गांव में कई लोगों को आयुष्मान कार्ड प्लस चिरायु कार्ड बना हुआ है। आपके लोगों को गांव के अंदर पेंशन जो है वो लगी हुई है। आपके गांव के अंदर जितने भी लाभकारी हैं, चाहे वो पेंशन के माध्यम से है, चाहे वो बीपीएल कार्ड के माध्यम से है, चाहे आपके गांव के अंदर इलाज के लिए जब आयुष्मान कार्ड बनता है तो उसकी योजनाएं हैं, ऐसे कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर जो योजनाएं राज्य सरकार द्वारा, चाहे पशुपालन के रूप में अंत्योदय के रूप में लोन हो वो मिलता है, तो वो सारी की सारी स्कीम जो है वो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। और वो स्कीम्स को आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में आज ये जो आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके लिए आज सभी अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे हैं। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के कैलाश नगर पहुंची, जहां थानेसर बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि सरकार के अंत्योदय के सपने को साकार किया जा सके। आज प्रधानमंत्री, मैं कहूँगा, भारत संकल्प यात्रा हमारे कैलाश नगर में पहुंची। यहाँ पर कैलाश नगर में बहुत बड़ा जोर शोर से हमारे पूर्व में पार्षद रहे आदरणीय नमक्या राज सिंह काजल जी, उनके माध्यम से हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नमक्या दीपक चौहान जी, आयुष जी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे साथ में नमक्या विवेक भारद्वाज जी, हमारे महामंत्री अपना रावत जी, सभी हमारे साथी हमारे छोटा भाई के नाम सिद्धार्थ, तो सभी ने मिलकर इस जगह पर बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, एक आज सर्दी के मौसम में इतनी पब्लिक आई अपने आप में देखना था। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव करती है, उनका प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्यार है, वो लोग धन्यवाद करने आए कि हमारे इस प्रकार से मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस प्रकार के लोग सर्दी में उठकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने आ रहे हैं। आज जिनकी समस्या कुछ कार्य रह गए थे, क्योंकि बीपीएल कार्ड नहीं बने थे, क्योंकि आधार कार्ड नहीं बने थे, जो भी रह गया था, पेंशन रह गई थी, आज हमने यहाँ बैठकर उनका नाम क्या मौके पर जो हल सकता था उसको हल कराया, और लगभग 10 पेंशनें बनाई, 2 हमने नाम क्या उज्जवल योजना के तहत सेंटर दिए, और बाकी सबकी जितनी भी हमारी अधिकारी उनको हमने मौके पर अधिकारियों को दे दिया है, सोल्व कर दिया, बाकी जो रह गया है उसका हम पूरा सोल्व कराएंगे। किसी भी आदमी जो, मैं कहूँ, अंत्योदय के तहत गरीब आदमी है, वो कहीं भी रहना नहीं चाहिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों का, प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्कीमों का कोई लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।